जगह हमारी मैक्रोनी बॉयल हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ एक प्याज रह गई, इसे कट कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, तो ये प्याज कट हो जाए। या अल्लाह, बहुत गर्मी है यार, और गर्मियों में किचन में आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। सलाम है उन माओं को जो आके पकाती हैं यार, कसम से, गर्मी हो जितनी भी गर्मी हो वो आती हैं पकाती हैं। मैं कभी अपनी मम्मा के सामने नहीं बोलती, क्यों, अप्रिशिएट करना चाहिए, बट मैंने कभी मम्मा को थैंक यू नहीं बोला। सो आज एक अच्छे मौके, एक अच्छी वीडियो के उस पर थैंक यू सो मच मामा, आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमें हर वो चीज़ देती हैं जो हमें पसंद है, थैंक यू। और इतनी गर्मी में खड़ी होकर पकाती हूँ आज, मुझे फील हो रहा है यार, मतलब गर्मी में खड़े होकर चूल्हा, चूल्हे के बाद फिर काटन पेटी, सब मम्मा करती हैं, लेकिन मम्मा कितनी मुश्किलों से पकाती है आज, मुझे फील हो रहा है कि आज बहुत गर्मी है और मैं यहाँ खड़ी होकर पका भी रही हूँ, हाथ के हाथ काट भी रही हूँ, ऊपर से मार्क्स वगैरह भी। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होगे जिसमें आप लोग लिखते होगे, सर्च करते होगे मोटिवेशन फॉर सक्सेस या मोटिवेशन टू, ये भाई हर चीज़ की मोटिवेशन उसके पास है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास है, बट अ ग्रेट थिंग इज कि अल्लाह हमारे साथ है, हर कदम हर सक्सेस के पीछे अल्लाह का हाथ है, क्योंकि वो चाहे तो सब होता है, अगर वो ना चाहे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर वो ना चाहे तो। आई होप सो सबको बातें समझ आई हो, और मेरी भी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी, व्यूज़ और लाइक्स के लिए तो मैं ये व्लॉग बना नहीं रही, बस लोगों का प्यार मिले मैं इतना चाहती हूँ। सो व्लॉग पे कोई व्यूज़ दे या ना दे, लेकिन जो मेरे चाहने वाले वो लाजमी देंगे और उसे देखेंगे। सो बस मैं ये चाहती हूँ मेरे लोग मुझसे खुश हो, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो, सबसे बड़ी बात मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो, लोग खुश हो नहीं हो लेकिन मेरा अल्लाह खुश हो, तो सबसे बड़ी बात मेरे साथ मेरा अल्लाह है। और इंशाल्लाह 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 सक्सेस मिलेगी इतनी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा सकूं, ताकि मुझे खुशी मिले, मेरे पेरेंट्स को खुशी मिले, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कोई किसी के काम नहीं आएगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं बचपन से अब तक, लेकिन आज तक हमने उनको कुछ करके नहीं दिखाया, मतलब पेरेंट्स के नाम से आप लोगों को जाने, आप लोग भी चाहते हैं अल्लाह की राह पर चले, आप अगर कोई काम नहीं करते घर बैठे में फारिग हैं, इतने तरीके आजकल घर बैठे कमाओ, ऑनलाइन कमाओ, लेकिन कमाओ, कुछ करके दिखाओ, ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, हमारे पास पैसा आएगा, भाई पैसा तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कुछ करोगे तो पैसा आएगा ना, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे, तुम कुछ करोगे तभी पैसा आएगा, पैसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम इंतजार कर रहे हो कि पैसा आएगा, पैसा कैसे आएगा जब तुम कुछ काम ही नहीं करोगे तो। आई होप सो बात आपके समझ आए कि पैसा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपने कुछ करना है, आप कुछ करोगे तभी वो आएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लेकर आऊँगी, ऑनलाइन एप्स लेकर आऊँगी, जिससे आप लोग घर बैठे कमा सकते हैं, पैसा आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत है। मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं तरसों करूँगा, सब छोड़ो और अभी उठो और अभी कुछ करो। ये मोटिवेशन अभी के लिए नहीं है, ये तब के लिए है जब आप ये सोचो कि मैं कल करूँगा, कल कुछ नहीं हो सकता, कल गई तो टल गई, कल पर गई तो टल गई, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है भाई, अगली सांस का भरोसा नहीं है, हमें अगली सांस आएगी भी है नहीं, अभी करो, अभी उठो, सॉरी, अभी उठो और स्टार्ट करो जो तुम करना चाहते हो, जिसमें आपका दिल लगता है वो काम करो, ठीक है। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा करना है जिससे हमें खुशी मिले और हमारे पेरेंट्स को खुशी मिले, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला को खुशी मिले, जिस काम में अल्लाह ताला खुश नहीं उस काम में हम भी खुश नहीं। आप लोगों के साथ बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मैक्रोनी कब रेडी हो गई, सो मैंने बॉयल पे लगाई हुई थी बट अब कम्प्लीटली बॉयल हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब बॉयल हो गई, आप लोगों से बातें करते करते टाइम यूँ गुजर गया और बॉयल भी हो गई है, बस सिर्फ हमें कुक करना है, पकाना है। ये आप लोग देख सकते हो मैंने बॉयल कर लिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, और ये भी कट चुकी है फुल, तो अब हमने जो है ना पतीले में बनाना शुरू करना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मैंने गर्म गर्म में हाथ डाल लिया तो मेरे हाथ पूरे के पूरे जो है ना जल चुके हैं, तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गाइज आज जो है ना मैं अपनी खुद की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं यूट्यूब वगैरह से नहीं देखती, सच बात बताऊँ तो मैं अपनी खुद की रेसिपी कुछ भी घर में पड़ा होता सब ऐड करके पका लेती हूँ,
आज भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ कि मैं अपनी रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, किसी की भी नहीं होगी, वो मेरी खुद की रेसिपी है भाई। और पकाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसी बनाती हूँ ये सारी चीज़ें। बट जब आप लोग फ्लेम वगैरह या चूल्हा वगैरह का काम कर रहे हो तो आप लोगों को बी केयरफुल रहकर काम करना है। मैं भी बी केयरफुल रहकर काम करती हूँ, बट कहीं ना कहीं से हाथ कट जाता है या तो फिर जल जाता है। लेकिन आप लोग जब भी किचन में आओ बी केयरफुल रहो और हर चीज़ को देख कर ध्यान से काम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मुझे चूल्हे के आगे बहुत डर लगता है कसम से, बट फिर भी मैं पूरी प्राउडली किचन में खड़ी हूँ, मैं कुछ पका सकती हूँ और मैं पकाऊंगी। हमेशा ये था होता है कि आप लोग जो नहीं भी कर सकते हैं उसे बोले मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। और एक और आप बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती हूँ लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त करनी होगी। प्याज का वेट करें तब तक ये ब्राउन हो जाए। गर्मी लग रही है मुझे, गर्मी। हाय गर्मी। अब मैंने सोचा है कि बाहर जाके चेक करूँ, थोड़ी सी हवा ले लूँ खुद भी, कि बाहर का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। चलिए चलते हैं बाहर। गाइस अभी जो है ना मगरिब का टाइम होने वाला है, ठीक है, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप लोग चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त जो है ना मौसम है, प्यारा सा। गाइस फाइनली मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, ठीक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं सब घर में से ही लिए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं लिया। अभी मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी, ठीक है। यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है, अब मैंने मैक्रोनी निकाल ली है। भाई एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं मैक्रोनी निकाल लेती हूँ अपने लिए और हम अपने पड़ोसी को भी देंगे, क्योंकि कुछ भी खाओ तो आगे पीछे लाजमी दो, भले थोड़ा दो लेकिन जैसे ही पके फौरन अपने पड़ोसी को भी दो ताकि वो भी खाए। चलो ये मेरा रेडी हो गया, मेरा मतलब पेट पूजा का सामान। अब एक फॉग इसके लिए हमें ज़रूरत है इसकी। सो, मैंने इतना बनाया है कि बचे भी ना, और चेक कर सकते हो मेरी मेहनत, माशाल्लाह। चलो जी अंदर चलते हैं और सुकून से बैठ के खाते हैं। गाइस कसम से इतना टेस्टी बनी ना, इतनी टेस्टी बनी, ऊपर से चाय, आय हाय हाय हाय, मेरी फेवरेट। और ये भी बहुत मज़े का, लिटरली बहुत मज़े का। वो लोग वहाँ बैठ के खा रही हैं, ठीक है, और यहाँ टीवी चल रहा है, फुल हॉल बना हुआ है, और यहाँ ये लैपटॉप में चल रहा है, वहाँ उनकी अलग, और यहाँ मेरी अलग सेशन हो रहा है, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा भाई। गाइज मैक्रोनी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे मतलब बाहर से परचेज नहीं किया, मतलब जब मैं पका रही थी जब के लिए, लेकिन सब जो है घर के अंदर मौजूद था, ठीक है, घर के अंदर अवेलेबल था, और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज़ करके मैक्रोनी रेडी की। बट मेरे साथ एक मसला है, जब मैं कुछ पका लूँ या अपने लिए कुछ भूख लग रही हूँ ना सही वाली, तो मैं किचन में आके खुद के लिए कुछ पकाऊँ तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आप लोग देख सकते हो मैंने पकाया था अपने लिए, बट मैंने हाफ बाउल ही खाया है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। टेस्टी तो बहुत है, लेकिन जब कोई चीज़ मैं खुद पका लूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता उसे फिर खाने का, तो मैंने रख दिया ढककर इसको। इंशाल्लाह दोबारा भूख लगेगी तो फिर ये खा लेंगे, अदरवाइज मम्मा आएंगी तो खाना पकाएंगी, तो फिर खाना भी तो खाना है ना, डबल डोज। सो गाइज आज मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा किचन में आकर, और मैंने पकाया भी, खाया भी, और बच भी गया। बट मैंने जो है ना इतना खाया, देख सकते हैं आप, हाफ बाउल और हाफ इसे ढक के रख दिया, तो किचन भी समेटना है क्योंकि अभी जो खाया पिया है उसके भी बर्तन बाकी हैं। अभी जो फ़िलहाल है ना मैंने लाइट्स ऑन करनी है क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो गया, तो पहले लाइट्स ऑन कर देते हैं बाहर की भी। पहले गेट ओपन करते हैं, गर्मी बहुत है, और सब ऑन कर देते हैं, ठीक है। मैं जो है ना कुकिंग कर रही थी, तो कुकिंग की वजह से ना घर में गर्मी बहुत हो गई है, तो इससे ड्रम ओपन करना बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये जो है ना लाइट्स ऑन है, बाहर की लाइट्स हो गई ऑन, ठीक है, तो इससे जो है ना गली में भी रोशनी होती रहेगी। अब बाहर का बल्ब। गाइज लिटरली मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, सारा काम मुकम्मल हो चुका है, और अब जो है ना मेरी नेक पेन कर रही है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, अब बस दिल चाह रहा है लेटूँ और सो जाऊँ बस। क्योंकि गाइज
पहले मैंने पकाया, पकाने के बाद फिर मैंने हाफ बाउल खाया, हाफ बाउल खाया नहीं, ठीक है, बट पूरे घर वालों ने अच्छे से खाया, इंजॉय करके खाया, मजे से खाया, और सबने ये तारीफ की भाई 10 out of 10 मार्क्स दिए जाते, तो मैं बड़ी टेस्टी बनी है और पूरा किचन में मैंने चमका दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब बस दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ, और लास्ट टाइम यही है कि मैं अब सोऊंगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने अपनों के साथ, और अब चलते हैं इंशाल्लाह, हम लोग मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।